होम्योपैथिक से ताल्लुक रखता है। होम्योपैथिक तरीका इलाज दिन ब दिन एम टी ए के ऊपर इसकी बतौर मकबूल बनता जा रहा है ठीक। और अहमियों के अलावा गैर जमात भी इससे फ़ायदा ठीक है, काफ़ी तादाद में गैर मुस्लिम भी ईसाई सिख हिंदू सारे हमारे घर में। जमात अहमदी आलमगीर की अजीम खिदमत इंसानियत है। बसत मसीह मौत के बारे और उनके कारनामों के मुताबिक काफ़ी अहादीस और कुरान शरीफ से ये रोशनी मिलती है। क्या इस तरीका इलाज ये जो अजीम किस्म का इस मसीह हज़रत मसीह मौत किसकी तशबीह है, आपकी तशबीह में कौन सा वजूद पेश किया गया है? मसीह अव्वल है ना, इन दोनों के अंदर मुशाबहतें होंगी तो आप मसीह मौत बनेंगे वरना नहीं। पहले मसीह में जिस्मानी शिफा पैदा करने की ताकतों का भी जिक्र मिलता है कुरान करीम में, इसलिए जो भी सच्चा मसीह होगा उसके ज़रिए जिस्मानी शिफा का निज़ाम भी तरवीज पाएगा। और उस पहले मसीह से इसलिए आगे बढ़ेगा कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम का मसीह है, वो पहला मूसा के मसीह था, समझ गए? जो मसीह मूसा है मगर मूसा से हर शान में आगे बढ़ गया, उसका ग़ुलाम जो मसीह मसीह है उसका भी उन शानों में आगे बढ़ना लाजिम था। मौलवी को जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ हो इससे मगर ये शान मुस्तफ़ा का मज़मून है, इससे हम हरगिज़ बाज नहीं आएंगे। इसीलिए हज़रत मसीह मौऊद फरमाते हैं बरतर गुमान व वहम से अहमद की शान है। अपने आप को अहमद नहीं कह रहा है, बरतर गुमान व वहम से अहमद की शान है जिसका ग़ुलाम देखो मसीह ज़मान है, ग़ुलाम अहमद है। असल नाम आपका ग़ुलाम अहमद है, इस नाम को किस खूबसूरती से पेश फरमाया, बरतर गुमान व वहम से अहमद की शान है जिसका ग़ुलाम देखो मसीह ज़मान है। तो मसीह में जिंदा करने की शफा बख्शने की जितनी बातें भी बयान हुई हैं ये तमसीलात रूहानी तौर पर तो होती हैं मगर पेशगोइयों का रंग भी रखती हैं। अल्लाह ताला फिर इनको तमाम दुनिया में इस तरह भी पूरा कर देता है कि दुनिया उस निज़ाम से फ़ायदा उठाए। तो ये अहमदियत के लिए मुकद्दर था कि बनी नौ इंसान की जिस्मानी शिफा के ताल्लुक में भी कुछ खिदमत करे। और होम्योपैथी के मुतालिक हज़रत मसीह मौऊद शाम का ये कहना नाम लिए बग़ैर कि अल्लाह ताला ने रूहानी तौर पर एक रूहानी ज़रिए से मुझे इत्तला दी है कि जहाँ ताउन वगैरह हो, अंदरूनी बीमारियाँ हों गुठलियों की, वहाँ अगर ख़ारिश फैला दी जाए तो ताउनी गुठलियों से भी और दूसरे जहरीले अंदरूनी मादों से भी इंसान को निजात मिल सकती है। और जो दो दवाएं दी वही दो दवाएं होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा ताकतवर दवाओं के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, एक सल्फर और एक मरकरी। और फरमाया कि रूहानी ज़रिए से मुझे मालूम हुआ और मेरे दिल में इतना खुदा तआला ने जोश पैदा किया है कि मेरा दिल चाहता है कि सब दुनिया को बता दूँ क्योंकि उसमें उसके लिए बड़ी बड़ी शफा है। तो अब वही ख्वाहिश है जो पूरी हो रही है, मैं और आप तो ज़रिया हैं, सिर्फ पुर्जे हैं, ये वो बातें हैं जो अब खुदा ताला पूरी फरमा रहा है क्योंकि उसकी तकदीर थी। समझ गए? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।